हेलो स्टूडेंट, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन बाय सूरज रूप। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं जहां भी होंगे अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज सर्कल का प्रॉब्लम सेट है, कुछ क्वेश्चन करने वाले। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है सर, सब तो हो गया, सब हलवा लगता है मैथ में अभी तक, लेकिन सर्कल का प्रॉब्लम सेट कुछ क्वेश्चन हलवा नहीं लगता। तो सर, आज सर्कल का प्रॉब्लम सेट आप अपलोड कर दीजिए, चिंता मत करिए, आज के बाद सर्कल का प्रॉब्लम सेट भी हलवा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं एंडिंग से। 20 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको कराने वाला हूँ, जो बोर्ड में आ सकते हैं। तो 23rd वाला जो क्वेश्चन है, 23, वो 23 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है 23 वाला क्वेश्चन। क्या दिया बच्चों? इन फिगर 3.101 टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम एंड एन। तो सर्कल है जो एम एंड एन पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट, राइट। सेकेंड, ड्रॉन थ्रू पॉइंट एम एंड एन इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट पॉइंट पी क्यू एंड आर एस रिस्पेक्टिवली। देन प्रूव दैट सेगमेंट एस क्यू, डायग्राम इनकम्प्लीट है। सेगमेंट एस क्यू, यहां पर सेगमेंट ड्रॉ है, सेगमेंट एस क्यू इज पैरेलल टू आर पी। सेगमेंट एस क्यू इज पैरेलल टू आर पी। एस क्यू जो है आर क्यू को पैरेलल है, ठीक है, आर पी को पैरेलल है, ऐसा आपने को दिखाना है। चलो, तो सबसे पहले गिवन जो दिया है वो लिख लेते हैं, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम एंड एन, ठीक है। सेकेंड, पासिंग थ्रू पॉइंट एम एंड एन इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट पी क्यू एंड आर एस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये गिवन है। चलो गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्ट एम एंड एन। सेकेंड पासिंग थ्रू, देखो बच्चा, सेकेंड पासिंग थ्रू एम एंड एन, सेकेंड पासिंग थ्रू एम एंड एन इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट पी क्यू, पॉइंट पी क्यू एंड आर एस रिस्पेक्टिवली, आर एस रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट वी हैव प्रूफ, प्रूफ क्या करना है? ये तो गिवन था। टू प्रूफ, देखिए बेटा, प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूफ सेगमेंट एस क्यू इज पैरेलल टू आर पी। सेगमेंट एस क्यू इज पैरेलल टू आर पी। सेगमेंट एस क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट आर पी, ये प्रूफ करना है। जो प्रूफ करना है उसको बॉक्स में दे। चलो अभी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करना है बच्चों, देखो यहां पे एम एंड एन को ज्वाइन कर देना है। एम एंड एन को ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो ड्रॉ सेगमेंट एम एन, ड्रॉ सेगमेंट एम एन, प्रूफ। देखो बच्चों, बहुत आसान है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम आता है। हाँ सर, आप देखो, ये भी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ये भी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। अपने को क्या करना है,
ये लेना है ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो क्या साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम क्या है, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा 180 होगा। सिमिलरली ये कोऑर्डिनेटर लेना है, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इसमें क्या लेना है ये एंगल एंड ये एंगल क्या होगा 180 होगा। ठीक है देखो दोनों ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180, राइट इतना समझा? हाँ सर समझ गया। अब देखो दोनों को क्या कर देना है ऐड करना, दो इक्वेशन बनेंगे दोनों को ऐड कर देना। ठीक है ऐड करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या बन रहा है बेटा एंगल इन लीनियर पेयर, तो ये दोनों मिल क्या हो जाएंगे 180, तो 180 इधर प्लस होगा उधर जाएगा तो माइनस। ठीक है चलो सर करके दिखाइए, फिर उसके बाद ये प्लस ये 180 आ जाएगा तो मतलब क्या है भाई इंटीरियर एंगल टेस्ट ये दोनों क्या है पैरेलल है, सर इतना आसान है। चलिए देखते हैं तो क्या लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल आर एम एन पी इज और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा एम आर पी प्लस एम एन पी इक्वल्स टू 180। तो एंगल एम आर पी प्लस एंगल एम एन पी इक्वल्स टू 180 दिस विल बिकम व्हाट इक्वेशन नंबर वन स्टेटमेंट नंबर वन। रीजन लिखना पड़ेगा ना बेटा बाई साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल थ्योरम, बाइसाइक्लिक कोऑर्डिनेटरल थ्योरम। चलो तो बेटा अभी सेम जैसा इस कोऑर्डिनेटरल में किया वैसा इस कोऑर्डिनेटरल में करेंगे, इसका नाम लेना है एम एन क्यू एस या एम एस क्यू एन जैसा आपको नाम कैसा भी ले सकता है। चलिए तो क्या लेना है कोऑर्डिनेटरल एम एन क्यू एस इज ऑल्सो साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल, साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल। Therefore, ये एंगल का नाम क्या है एम एन क्यू, देखो इसका ये नाम लिया अभी है ऐसा नहीं एम एन क्यू प्लस एम एस क्यू इक्वल्स टू 180 क्या लिखेंगे। Therefore, एंगल एम एन क्यू प्लस एंगल एम एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री बेटा दिस विल बिकम इक्वेशन हाँ स्टेटमेंट नंबर टू सेम रीजन बाय साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल थ्योरम। बाय साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल थ्योरम नाउ वी हैव टू ऐड दिस टू इक्वेशन, तो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू क्या लिखे बेटा एडिंग इक्वेशन वन एंड टू एड कर लो बेटा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से तो क्या हो जाएगा देयरफॉर एंगल एम आर पी प्लस एंगल एम एन पी प्लस एंगल एम एन क्यू प्लस एंगल एम एस क्यू इक्वल्स टू 180 प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। बेटा देखो पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड। तो बेटा देखो यहां पे एम एन पी ये वाला एंगल एम एन पी ये एंगल ये इतना एम एन पी प्लस एम एन क्यू ये क्या बन जा रहा है बेटा एंगल इन लीनियर पेयर। देखो देखा जाए ये प्लस ये डी बन रहा है ना एक ही लाइन पे कितना होता है 180 बाय एंगल इन लीनियर पेयर, इसका मतलब एंगल एम एन पी एंड एम एन पी एंड एन देखो एम एन क्यू एम एन पी और एम एन क्यू कितना हो गया 180, तो इन दोनों को प्लेस पे क्या आ जाएगा 180। ठीक है
कितना याद रहेगा, चलो लिखते हैं। देयरफॉर एंगल एम आर पी प्लस 180 प्लस एम एस क्यू इक्वल्स टू 360, ये कैसे हुआ, बाय एंगल इन लीनियर पीरियड। By angle in linear pair. तो मेरे प्यारे बच्चों, एंगल इन लीनियर पेयर से ये 180 हो गया। अब देखिए बेटा, ये यहां 180 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा, therefore angle MRP plus angle MSQ equals to 360 minus 180 degree. बेटा तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 360 minus 180 कितना होता है 180। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं एम आर पी को एस आर पी लिख सकता हूं, यस वी कैन राइट, बिकॉज दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर ना, इंस्टेड ऑफ एम वी कैन राइट फ्रॉम एस ना, फ्रॉम देखो एंगल एस आर पी एम आर पी को एस आर पी लिख सकते हैं, एंड एंगल एम एस क्यू को आर एस क्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट है, तो इंस्टेड ऑफ एम आर पी ना वी हैव टू राइट व्हाट, एस आर पी एस आर पी, एंगल एस आर पी प्लस एम एस क्यू को क्या लिखेंगे, आर एस क्यू, आर एस क्यू, इधर क्या हो गया 180 डिग्री, क्या रीजन लिखना है, आर टू एम एम टू एस, कोलिनियर पॉइंट है। तो सिंस दिस टू एंगल फॉर्म व्हाट, इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, एंड देयर देखो इंटीरियर, इफ इंटीरियर एंगल्स If pairs of interior angles are supplementary, then lines are parallel by interior angle test. By interior angle test, तो लिखेंगे therefore segment SQ is parallel to segment RP by interior angle test. By interior angle test. तो बच्चों ये बस इतना ही है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझा होगा, यदि आपको समझा होगा तो प्लीज चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जितने भी प्रॉब्लम से क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को सेपरेट सेपरेट वीडियो में आपको देने वाला हूँ, छोटे छोटे वीडियो में, तो ऑल द बेस्ट। आई होप आपका जितना भी एग्जाम अभी गया है सब, पहला एग्जाम सेकेंड एग्जाम अच्छा गया होगा, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।